का क्वेश्चन नंबर वन, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, अब ये किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस्ड है, खत्म हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज, खत्म है और नहीं है, ठीक। और एक और बात, व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर लेंथ नॉर्मली 100 सेंटीमीटर होती है, कभी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें लेंथ 150 सेंटीमीटर, तो ये ना कहें कि सर ये मीटर ब्रिज नहीं रहा, हाँ ये मीटर ब्रिज नहीं रहा, तो इसका पूरा नाम क्या है, स्लाइड वायर ब्रिज, तो उस केस में इसको मीटर ब्रिज नहीं बोलेंगे, इसको स्लाइड वायर ब्रिज बोलेंगे। तो जैसे टोटल लेंथ 150 सेंटीमीटर है और बैलेंसिंग लेंथ 50 है, तो दूसरी लेंथ क्या होगी, 150 में से 50 गया 100, तो ये ना पूछना पेपर में कि सर ये तो 100 सेंटीमीटर होता, देखो 150 कर दिया, रेशियो विल रिमेन सेम, नॉर्मली 100 सेंटीमीटर होता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं किरचॉफ लॉ के, किरचॉफ लॉ के अंदर हमने सेकेंड लॉ लूप लॉ किया था, तो इसके कुछ एक दो प्रॉब्लम्स हम एक बार डिस्कस करते हैं, आप इसको एक बार ट्राई करना और एक बार समझो कि इसको किया कैसे। आपको मान लो दो बैटरीज गिवन है, E1 E2 बैटरीज गिवन है, आपको कुछ रेजिस्टेंसेस भी गिवन है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर E1 E2 R1 R2 R3 सारी वैल्यूज गिवन है, राइट, सारी वैल्यूज गिवन है, आपको क्या निकालना है, हर ब्रांच में करंट निकालना है क्या होगा। अब ना तो कोई रेजिस्टेंस इसमें सीरीज में नजर आएगी आपको, ना ये इक्विवेलेंट बैटरी का कॉन्सेप्ट है, तो आपको हर ब्रांच में अगर करंट निकालना है, कोई सीरीज पैरेलल आपको दिख नहीं रहा, तो आप इसमें किरचॉफ लॉ लगाएं। आप ये कहें कि इस बैटरी ने मान लो I1 करंट बाहर निकाला, इस बैटरी ने पॉजिटिव टर्मिनल ने I2 निकाला, जंक्शन पे I1 एंड I2 आया, तो मिलके यहां पर क्या आया, I1 प्लस I2 आया, I1 प्लस I2 में से इसको कितना मिलेगा I1, क्यों, इसने रिलीज कितना किया था I1, तो वापस कितना I1, और इसने कितना दिया था I2, तो वापस कितना I2। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो ये करंट की डिस्ट्रीब्यूशन आपने बना ली। आपको क्या निकालना है, इसमें करंट निकालना है I1 I2, जब I1 I2 आ गया तो ये भी करंट आ जाएगा I1 प्लस I2, तो कोई इलाज नहीं है, दो वेरिएबल्स हैं I1 I2, किरचॉफ लॉ लगा दो। क्या लॉ, तो फर्स्ट लूप के अंदर करंट के साथ चलते हैं लेफ्ट की तरफ, तो माइनस I1 R1, करंट के साथ चल रहे हैं तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3, बैटरी का नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है तो प्लस E1 इक्वल टू जीरो, आपको सारी वैल्यूज गिवन है, तो ये इक्वेशन तैयार होगी I1 I2 में। फिर उसी तरीके से सेकेंड लूप के अंदर यहाँ से स्टार्ट होकर वापस आते हैं, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो प्लस E2, फिर करंट के साथ जा रहे हैं तो माइनस I2 R2, फिर करंट के साथ जा रहे हैं तो माइनस R3 इंटू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू जीरो। फिर से आपको E2 R2 R3 पता है, एक नई इक्वेशन आ गई I1 I2 में, तो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा I1 एंड I2। अगर ऐसे क्वेश्चन में करंट नेगेटिव आता है, आप प्लीज़ इसको गलत ना समझें, नेगेटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन ऑफ करंट ली थी किसी वायर में वो गलत ली है, आपने करंट ऊपर ले लिया लेकिन करंट नीचे आ रहा होगा, तो वो साइन नेगेटिव शो करेगा। तो इस केस में ये करंट ऐसे ही लेना है, I1 I2 आ गया, फिर बीच वाली वायर में करंट क्या था I1 प्लस I2, तो इन्हें ऐड कर देंगे विद नेगेटिव साइन आंसर। तो इस तरीके से किरचॉफ लॉ की जो प्रॉब्लम है वो बेसिक क्वेश्चंस के अंदर आपको लगाना आना चाहिए, कहीं पर अगर हम फंस जाएं और करंट हमें निकालना हो तो किरचॉफ लॉ से हम ऐसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको तीन बैटरीज गिवन है, बैटरीज के अलावा आपको ये गिवन है 3 सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये रहा, एंड विद वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, तो वायर तो चलो रेजिस्टेंस की है, EMF सेल्स की गिवन है, E1, E2, E3 तीनों गिवन है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो इसकी भी इंटरनल, इसकी इंटरनल, इसकी इंटरनल गिवन है, तो फाइंड द करंट इन ईच सेल, हर सेल में करंट निकालना है। अब ये हर स्टूडेंट अपने तरीके से इसको करेगा, कैसे, कोई स्टूडेंट इसको ऐसे करेगा, वो मानेगा कि इसमें से I1 करंट आया, इसमें से I2 करंट आया, इसमें से I3 करंट आया, तो अगर इसने I1 रिलीज किया तो इसको वापस कितना मिलेगा I1, I2 के बदले में I2, I3, I3, तो जंक्शन के ऊपर टोटल करंट कितना आ रहा है I1, I2 एंड I3, तो जंक्शन लॉ क्या कहता है, टोटल करंट का सम क्या होगा, इक्वल टू जीरो, पहली इक्वेशन। फिर दूसरी इक्वेशन के लिए वो लूप लॉ यूज करेगा, इस लूप नंबर 1 में मान लो यहां से स्टार्ट करता है तो करंट के साथ जा रहा है माइनस I1 R1, माइनस से प्लस पे जा रहा है तो प्लस E1,
फिर यहां से प्लस से माइनस पे जा रहा है तो माइनस ई टू, करंट के ऑपोजिट आ रहा है तो प्लस आर टू आई टू इज इक्वल टू जीरो। उसी तरीके से लूप नंबर टू यूज करेगा तो सारी वैल्यूज को पुट करेगा तो यहां पर आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं आई वन आई टू आई थ्री। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आई वन आई टू आई थ्री कैन बी कैलकुलेटेड। अब दूसरा स्टूडेंट कहता है कि नहीं ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको ऐसे करते हैं, मान लेते हैं कि इसमें आई करंट आया, इसने कितना करंट दिया आई, आई करंट में से इसमें कितना चला गया आई डैश, तो बचा हुआ इसमें चला गया कितना आई माइनस आई डैश। बिल्कुल सही है और मैं कहता हूं ये ज्यादा बेटर है, उसमें तो फिर तीन वेरिएबल थे आई वन आई टू आई थ्री, इसमें सिर्फ दो वेरिएबल हैं आई और आई डैश। दो लूप लो, ऊपर वाली नीचे वाली, अपने आप आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड, तीसरा स्टूडेंट दूसरे बैच में भी कर रहा था मैं, उसने एक आइडिया दिया, कहता है ये तीनों बैटरीज किसमें कनेक्टेड है पैरेलल में, आप इसमें इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल दो तीनों की। मैंने कहा कैसे, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू प्लस ई थ्री बाई आर थ्री डिवाइडेड बाई वन बाई आर वन वन बाई आर टू वन बाई। मैंने कहा ठीक है निकल गया, तो टोटल करंट तो आराम से निकल, टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ तो निकल ही जाएगी। उसके बाद क्या, इंडिविजुअल करंट कैसे निकालोगे वो नहीं पता, तो आपको किरचॉफ लॉ इसमें लगाना पड़ेगा। हाँ अगर आपको टोटल ईएमएफ निकालनी है वो निकल सकती है, पर अगर आप कहो कि इसमें इंडिविजुअल करंट निकालने हैं वो फिर इसमें लगेगा नहीं, आपको किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा। वो आप एक बार से होमवर्क लिखेंगे दोनों क्वेश्चंस को, आपने दोनों लूप्स लगानी है और दोनों लूप्स में लगा के करंट की वैल्यूज को निकाल के देखना है। अच्छा ये कह रहा है कि ये आ रहा है करंट, जा कहीं नहीं रहा, ओके भेज देते हैं, एक ऐसी वायर लगाते हैं। उसने कहा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कोई रेजिस्टेंस लेनी नहीं है, लो उसने कौन सा कहा कि कैपिटल आर लो, बिना रेजिस्टेंस की वायर लगा के निकाल दो उसको बाहर। अब ठीक है आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री आया और यहाँ से बाहर निकल गया। अच्छा चलो बैटरी लगा दो, पर बैटरी लगा नहीं पाएंगे, नहीं वायर लगाओ ऐसी लगाओ, तो ये जरूरत नहीं पड़ती, उस वायर की कोई यूज़ नहीं है। वैसे बेस्ट तरीका तो वही है जो मैंने बताया, आई लो आई डैश लो, आई माइनस आई डैश लो, सबसे आसान तरीका यही है। क्लियर है यहां तक, तो ये होमवर्क लिखने आपने, ये ट्राई करने हैं क्वेश्चंस, जैसे ट्राई इसलिए ताकि आपकी वो कमांड बैठेगी ना उस पर किरचॉफ लॉ पे, दो तीन क्वेश्चन तो करोगे, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी किताब में गिवन है, इतने बड़े क्वेश्चन करने पेपर के अंदर बहुत मुश्किल होते हैं, जैसे क्यूब वाले क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चन हैं, उसका कंपटीशन के अंदर कई बार आ जाता है, हम सुन लेंगे उसका कैसे करना है, लेकिन बहुत बड़े क्वेश्चन किरचॉफ लॉ पे नहीं आते, कर भी नहीं पाओगे इतने कम टाइम में, पर हाँ बेसिक आता है, किरचॉफ लॉ लगाना मैंने देखा है पेपर में लग जाता है किरचॉफ लॉ, तो इंपॉर्टेंट तो है, लगाना आना चाहिए। तो जैसे टू सेल्स जिसकी ईएमएफ गिवन है 2 वोल्ट और 1 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 1 और 2 ओम है, एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड बाय 10 ओम, तो इनका पॉजिटिव पॉजिटिव 10 ओम के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव 4 ओम के साथ कनेक्टेड है, 4 ओम के साथ कनेक्टेड है, एक क्वाइल 10 ओम की कनेक्टेड बिटवीन मिडल पॉइंट, मिडल पॉइंट का मतलब 10 ओम डिवाइड हो गया 5 और 5 में, मिडल पॉइंट का मतलब 4 ओम डिवाइड हो गया 2 और 2 में। तो आप कहेंगे सर ये डायग्राम ही नहीं देगा हमें, ज़्यादातर 99% क्वेश्चन में डायग्राम गिवन होते हैं, मतलब इतना भी नहीं है कि वो डायग्राम भी खुद ही बनाने को कहेगा और क्वेश्चन भी खुद सॉल्व करने को कहेगा, डायग्राम्स गिवन होते हैं। ठीक, तो मान लो मेरी तरफ से डायग्राम गिवन है, आपको करंट निकालने हैं, तो क्या करोगे, इसमें से आई वन करंट आया, इसमें से आई टू करंट आया, बीच वाली वायर में आई वन प्लस आई टू गया, इसने आई वन दिया तो इसको आई वन दे दो, इसको इसने आई टू दिया तो इसको आई टू दे दो, हो गया करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या करेंगे, दो लूप्स लेंगे, पहली लूप फर्स्ट लूप लगाएंगे, किरचॉफ लॉ लगाएंगे यहाँ पे, फिर किरचॉफ लॉ यहाँ लगाएंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, आई वन आई टू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लूप लगाओ, इक्वेशन नंबर 1 बनाओ इसको देखते हुए क्या बनेगी कॉपी में, इक्वेशन नंबर 2 बनाओ और आंसर निकालो आई वन आई टू का क्या होगा। लूप लगाओ, अभी लूप लॉ लगाओ कॉपी में।
किरचॉफ लॉ लगाएंगे इसमें, तो इसमें जैसे यहाँ से स्टार्ट किया तो माइनस आई वन साई टू इंटू टेन, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, यहाँ पे माइनस आई वन इंटू टू, माइनस आई वन इंटू वन, माइनस से प्लस टू, प्लस टू, और माइनस आई वन इंटू फाइव इक्वल टू ज़ीरो। ऐसी ये बनाई सबने, फर्स्ट इक्वेशन बना ली, ऐसी सेकेंड बनाओ, सेकेंड में जैसे यहीं से स्टार्ट कर लो, माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू टेन, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई टू इंटू टू, माइनस आई टू इंटू टू, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस वन, माइनस आई टू इंटू फाइव इक्वल टू ज़ीरो। तो सारी वैल्यूज़ आपको इसमें गिवन है, वैल्यूज़ को पुट करना। मेन काम क्या है? दो लूप्स को बनाना। एक बार दो लूप सही लग गई, वैल्यूज़ गिवन होंगी, दो ही तो वेरिएबल्स होंगे उसके बाद, आई वन एंड आई टू। तो आई वन आई टू सॉल्व करोगे तो आई वन आएगा और आई टू आएगा, तो एक आंसर आई वन, एक आंसर आई टू, और मिडिल वायर में टोटल करंट कितना है? आई वन प्लस आई टू, तो आई वन प्लस आई टू कैन बी कैलकुलेटेड। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आपने यस सर ये जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, एक बार जो बच गए हैं, तो शायद बचे भी नहीं हो, मुझे पता नहीं, ख़त्म ही ऑलमोस्ट।